सीबीएसई की जमा दो की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर अपना परचम लहराया ऊना के शिवम ने। पूरे परिवार में खुशी की लहर है। शिवम के स्कूल प्रबंधक सुमेश शर्मा, स्कूल कार्यकारी प्रधानाचार्य यशपाल राणा ने बताया कि 98.2% के साथ शिवम पहले और 97% के साथ मेधावी सेकंड और 93.2% के साथ सतेंद्र कौर तीसरे स्थान पर है। हमारे संवाददाता ने बात की है शिवम से। हमारे साथ आज विशेष बातचीत में जुड़ेंगे सीबीएसई की प्लस टू की परीक्षा में जिन्होंने 500 में से 491 अंक लेकर जिला ऊना का जहां नाम रोशन किया। मैं आपको बता दूं कि शिवम हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये इन्होंने मार्क्स लिए इसका श्रेय किसको देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मैथ में 100 में से 100 मार्क्स जो हैं इन्होंने लिए हैं। तो स्वागत है आपका शिवम। थैंक यू सर। शिवम, जिस प्रकार से 491 नंबर आपने हासिल किए हैं, सबसे पहले इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, सभी को, अपने टीचर्स को, अपने कोचिंग के टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में, उन सबको देना चाहूँगा। स्कूल का कितना रोल मानते हैं या जहाँ से आपने कोचिंग ली है उसका कितना रोल मानते हैं? काफ़ी रोल है। मैं 10th में गया था कोचिंग अपनी बंसल के लिए, तो उसके बाद से आई थिंक मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा मैथमेटिक्स में भी। उसके बाद मेरे टीचर जो है रंजन सर, टीचर हैं मेरे वहाँ मैथमेटिक्स के, वो जहाँ मैं उनसे पढ़ा 10th में, उसके बाद से मेरे को मैथमेटिक्स से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हुआ, उससे पहले तक उतना नहीं था। जिस प्रकार से आपके 491 मार्क्स आए हैं, क्या भविष्य में क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार की रणनीति आपने तैयार की है? इंजीनियरिंग परस्यू करने के बारे में सोच रहा हूँ अभी मैं, और मैं तैयारी कर रहा था पिछले 2 साल से जेई मेंस की, और अभी मेंस में अच्छा रिजल्ट आया मेरा फर्स्ट सेशन का, अभी एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ और गॉड ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, अच्छा कर पाऊँगा। तो इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ रही हैं आपकी, जो क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ हॉबीज़ होती हैं पर कोई, तो क्या है आपको? क्रिकेट खेलना काफ़ी अच्छी हॉबी है। मैं तो सर्दियों में सुबह 5 बजे जाता था खेलने, सब कहते रहे इतनी धूम था क्यों जा रहे हैं। मैं जाता था सुबह खेलने, मेरे को मज़ा आता था खेलने में, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, अच्छा रहता है माइंड के लिए भी, अच्छा रहता है तो पढ़ने में थोड़ा और अच्छा लगता है, मुझे लगता है मदद मिलती है उससे थोड़ी। ये थे हमारे साथ शिवम जिन्होंने ऊना जिला का नाम रोशन किया, साथ में अपने स्कूल का, साथ में अपने माता पिता का, और जिनको ये अपने आइडल मानते हैं उन सबको इन्होंने खुश किया है। एक तरह से अगर बात की जाए तो 500 में से 491 अंक प्राप्त कर ये जिला ऊना में नंबर 1 पर जो हैं वो आए हैं। हमारी भी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट।